बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है ये। कब बना था ये? बहुत ही पुराना चर्च। ये देखो जाने के लिए रेडी है एकदम। चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से प्लीज। जीसस हैव मर्सी ऑन अस। सो हे गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। और आज का जो व्लॉग है ना, वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह पे। बताऊँगी नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस आपको दिखाऊँगी। तो मेरी वीडियो पे बने रहना और जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है ना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। 2 घंटे का सफ़र है और दिखाते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस, हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं और पहुँच के आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ आए हैं। यहाँ आए हैं जो कि सर्दी में एक चर्च है, मतलब अमेरिका। एंड एली बताएंगे इसके बारे में। एली बताइए प्लीज़। सर्दना चर्च है, सर्दना श्राइन नाम है इस चर्च का। और बहुत ज़्यादा पुराना चर्च है। 1833 में बना था। 1833, यस 1833 में ये बना था। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ब्लेस्ड है ये चर्च। मदर मेरी का चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है ऐसा देख सकते हो। और ये जैसा था ये अभी तक वैसा ही है। इस पर कोई भी रिनोवेट नहीं, रिनोवेशन नहीं हुआ है और बहुत ही सुंदर है। जल्दी से दर्शन करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जीसस हैव मर्सी ऑन अस। और ये झंडा है, यहाँ पे हमेशा माता मरियम का झंडा चढ़ता है, जो हमारे में चढ़ता है। वो है गार्डन है यहाँ पे, रोज का रास्ता। सो यहाँ है इसका दरवाज़ा और जो मेन गेट है वो हमेशा बंद रहता है, इसको भी नहीं खुलता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो आ जाओ। कुछ नहीं होता। दर्शन हो चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे सारी जो मूर्ति है बहुत ही सुंदर। वामिका का फोटोशूट हो रहा है भाई। चलो हम सबका का खींच। वामिका स्माइल नहीं कर रही है, लेकिन स्माइल क्यों नहीं कर रही? गुस्सा नहीं, नहीं शक्ल देख रही है, टीका को देख रही है। टीका को ही देख रही है। कह रही है कैमरामैन देखा देखा सा लग रहा है। दो काले काले, एक तो गोरा दिखा, एक तो गोरा दिखा, दिखा तो गोरे ही। मां से गोरे आ गए। हंस दिनो हंस आज मेरा मामा पास जाएगी। उसके पास तो पहले ही आ गई यार। अब इसमें अच्छी है, सबके पास जाती है ना, रोती है ना कुछ, सबके पास रहती है ना। कहां से क्लिक होगा? अपने मोबाइल से खींचना, डबल क्लिक करना पड़ेगा। हां जी, मेरे से क्या पूछ रहे? इधर इधर देखो। बुआ बुआ से, बुआ 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 कहां हूं मैं? अरे मौसी, मासी है, मासी वो थोड़ी है, मासी मासी। ओह माय गॉड। सो गाइस, हम निकल चुके हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। दर्शन बहुत अच्छे हो गए और क्योंकि हमारी बुआ वगैरह भी सब लोग आए हुए हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो गई थी, क्योंकि वो लोग अपनी गाड़ी से आए थे और हम लोग अपनी। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बुआ के यहाँ पे। यहाँ पे मेरी बुआ रहती है, बड़ी बुआ जो है मेरी, सबसे बुआ मेरठ में जो रहती है, बुढ़िया भाभी लोग रहते हैं वहाँ पे। तो उनके यहाँ जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको उनका घर। चलिए, ये मेरी माँ कितना सुंदर बोलती है। हम बस पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये है कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
आज मेहनत का व्लॉग आएगा, आज जसिंदी भी आएगी मेरे व्लॉग में। परिवार डाला हुआ है, एक चीज रह गई वॉशरूम वाली, बाकी वॉशरूम वाली बाकी सब डाल देती है। कैसे दबे थे चलने में दिक्कत है। गाइस ये लोग भी आ गए यहाँ पे। नीनी करा दो चले हम। सो गाइस हम अब जा रहे हैं, जा रहे हैं गर्दन देखने। कौन जा रहा है? हम तो नहीं जा रहे, सॉरी। यहाँ हम जा रहे हैं गाइस, निकल रहे हैं सब लोग धीरे धीरे। से हम लोग निकल चुके थे भैया के घर से और हम रास्ते और अब हम लोग सोच रहे हैं कि अक्षरधाम मंदिर चल जाए क्योंकि रास्ते में पड़ता है और सुना है कि बहुत ज्यादा सुंदर भी है। वैसे ना हम लोग रोज रोज तो आते हैं नहीं यार, अब रास्ते में पड़ रहा है तो सोच रहे हैं कि घूम कर आ जाते हैं एक बार। तो अभी हम जैन शिखर जी में रुके हैं कुछ खाना वाना पीने के लिए, तो अब चलते हैं अक्षरधाम मंदिर और दिखाते हैं आपको। वैसे मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ लेकिन चलते हैं यार, कभी कभी तो आते हैं, दिखाते हैं आपको। पकोड़े मंगाए और चाय। मेरी फोटो मत ले, हट जाना जरा। ये देखिए गाइस, ये मेरी बुआ है, प्रिटी लेडी। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से। हेलो, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। सारी खबर है ये कि हम अक्षरधाम जैसे तैसे पहुंचे और देखो रास्ते को यहाँ पर और एंट्रेंस जो है वो बंद हो चुकी है। मन बहुत था देखने का लेकिन बस क्या करें, यहाँ लेट हो गए हम लोग और एंट्रेंस बंद हो चुके हैं तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। जो भी जो लोग जैसे अंडी लोग हैं वो लोग तो ऑलरेडी निकल चुके थे आगे, तो वापस आ गए थे वो लोग लेकिन उन्होंने अलग डायरेक्शन पकड़ लिया था, रास्ता भूल गए थे वो लोग तो अब वापस आ रहे थे। तो उनको कॉल करके मना कर रहे कि मत आओ, बंद हो गया, फायदा नहीं है। चलो गाइस वापस आ चुके हैं हम और बहुत ज़्यादा थक गए थे तो इसलिए हम लोग बाहर से ही खाना ले आए थे, ये डोसा वोसा और ये लोग अपने कुछ रोल वोल भी लेकर आए हैं तो यही खा लेंगे और सो जाएंगे, बहुत ज़्यादा थक गए थे आज। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना सपोर्ट देना। बाय बाय।